डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एयर सामा में देखा कि किस तरह से प्रशांत अपने मित्र के यहाँ पे फंस जाता है, और जब वाटर का लेवल कम होता है, थोड़ी परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं, तो वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एंड वैन ही रीच्ड एट हिज ब्लेज हिज हार्ट फिल्ड विद ग्रेट ग्रीफ। जब वो पहुंचा तो वहाँ पहुंचने के बाद जब उसने वहाँ की तहसनहस स्थिति देखी तो वो किस तरह से दुख से भर जाता है, और फिर रेड क्रॉस शेल्टर होम में पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद उसको अपनी नानी सबसे पहले दिखाई देती हैं, और नानी के दिखाई देने के बाद जैसे ही वो एक दूसरे से मिलते हैं तो द वर्ड स्प्रीड, जो बातें थी वो होने लगी कि भाई प्रशांत आ गया, और फिर वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है ये देखिए। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह से, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन, जैसे कि वो इस निराशावादी स्थिति में फंस चुका था, इन द शेल्टर, वो जो आश्रय गृह था वहाँ पे, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। उसने निर्णय किया कि वो ग्रिप करेगा, अपने आप को मजबूती देगा, अपने आप को एक आधार देगा खड़े होने के लिए, यानी उन सबकी लाइफ, जो उन सबका जीवन था जो लोग वहाँ पे शेल्टर में रह रहे थे, तो उसने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि सभी लोग जो हैं वो अपनी जो स्थिति है उसको ग्रिप कर सकें। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 25,000 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। तो उसने सेंस्ड किया, सोचा, देखा, अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग, जो डेथली ग्रीफ था, जो एक तरीके से मौत जैसा दुख था, उसको सेटलिंग अपॉन करने का, मतलब उसको व्यवस्थित करने का, 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड, यानी 2500 लोगों की एक मजबूत भीड़ थी उस शेल्टर होम में, यानी 2500 लोगों को व्यवस्थित करने का उसने निश्चय किया। 86 लाइफ्स वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 लोग जो हैं वो वर लॉस्ट लाइफ, उनको जो लाइफ थी, उनका जो जीवन था वो खो चुका था गांव में। ऑल द 96 हाउस हैड बीन वॉश्ड अवे, और लगभग आप माने ऑल, सभी जो पूरी तरीके से 96 घर थे वो वॉश्ड अवे हो चुके थे, बह चुके थे उस पानी की बाढ़ में। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, उनका चौथा दिन था आश्रय गृह में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, जैसा कि अभी तक वो सर्वाइव कर रहे थे, जीवित रह रहे थे, अपने आप को बचा पा रहे थे, ऑन ग्रीन कोकोनट्स, हरे जो कोकोनट्स थे, जो नारियल थे, उनका पानी पी करके और उनका जो अंदर का मटेरियल होता है उसको खा खा करके वो सर्वाइव हो रहे थे, बच पा रहे थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन ये जो नारियल वाली व्यवस्था थी ये टू फ्यू थी, बहुत कम थी, टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, इतनी बड़ी ट्यूमल्ट के साथ, इतनी बड़ी भीमल्ट, जो कोलाहल भीड़ थी उसको के साथ में इस तरीके से आगे नहीं चलने वाला था। प्रशांत आल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत जो कि पूरी तरीके से 19 साल का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने निर्णय किया कि वो स्टेप इन करेगा, अपना कदम रखेगा एज ए लीडर, एक नायक के तौर पे ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के, यानी अपने गांव के नायक के तौर पे उसने कार्य करना का निश्चय किया, डिसाइड किया। इफ नो वन एल्स डिड, क्योंकि कोई दूसरा जो है वो इसको करने में समर्थ नहीं था, किसी दूसरे ने किया नहीं, नो वन एल्स, किसी ने भी अन्य ने ऐसा किया नहीं। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स, उसने एक युवाओं का जो ग्रुप है, यूथ्स का जो ग्रुप है, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको व्यवस्थित किया, एंड एल्डर्स, और जो बड़े थे उस भीड़ में उन सबको एकत्रित किया, ऑर्गेनाइज किया, टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट, यानी सामूहिक तौर से प्रेशराइज करें, जॉइंटली
सामूहिक तौर से प्रेशराइज करें, दबाव बनाएं द मर्चेंट व्यापारी पर वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो हिस्सा ले इस त्रासदी में अपने चावलों के साथ, यानी वो चावल उनको दे खाने के लिए। इस तरीके से उन्होंने प्रेशर बनाया सामूहिक तौर पे मिलकर के। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फली ट्रायम्फेंटली। तो इस बार जो है वो डेलीगेशन जो था, जो उनका समूह था, जो ग्रुप था, उसने सक्सीडेड सफलता प्राप्त की एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली ट्रायम्फेंटली जो वो रिटर्न हुए विजेता के तौर पे, वो वापस आए वेडिंग थ्रू द रेसाइडिंग वाटर से होकर के, वेडिंग थ्रू यानी पानी में उतर करके, उसमें जो रिसाइडिंग वाटर था, जो कम हो रहा वाटर था, विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, यानी सभी लोगों के जो एंटायर शेल्टर थी, वो पूरी जो वहाँ पे जो आश्रय लेने वाले लोग थे 2500, उन सब के लिए खाने की व्यवस्था को पानी के थ्रू होकर के वो लेकर के आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, और किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं की जो चावल जो था वो पहले से ही खराब हो रहा था, सड़ रहा था, रोट हो रहा था। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट रेलुकेंट एंड स्लो फायर, जो ब्रांचेस थी फॉलन ट्रीज की, जो टहनियाँ थी, जो टहनियाँ थी उनको जो फॉलन ट्रीज की, गिरे हुए पेड़ों की, वर गैदर्ड इकट्ठा की गई टू लाइट रेलुकेंट एंड स्लो फायर, धीमी धीमी आँच को जलाने के लिए, ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर कि चावलों को पकाया जा सके। जो गिरे हुए पेड़ थे उनसे टहनियाँ चुन ली गई और उन टहनियों को एकत्रित करके आग की व्यवस्था की गई जिससे कि चावल जो हैं वो पक सकें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, पहली बार ऐसा हुआ था उन 4 दिनों में, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर, कि जो सर्वाइवर थे, जो बचे हुए लोग थे साइक्लोन शेल्टर में, उस तूफान की से त्रस्त जो लोग थे, उनकी जो शेल्टर होम था उसमें, वर एबल टू फिल देयर बेलीज, कि वो समर्थ हुए, वो उनको उतना खाना मिल पाया कि वो अपनी बेलीज को फिल कर सकें, अपने पेटों को भर सकें। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ। अब उनका जो नेक्स्ट टास्क था, जो अगला टास्क था, वो था कि ऑर्गेनाइज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए अ टीम, एक टीम को ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स की, नवयुवक जो वॉलेंटियर्स थे, स्वयं सेवक थे, कि क्लीन कर सकें शेल्टर को ऑफ फिल्थ, गंदगी की, यूरिन वॉमिट और फ्लोटिंग कारकेसेस, यानी जो मल मूत्र वॉमिट वगैरह उल्टी वगैरह जो हो रखी थी, जो लोगों ने की हुई थी, यानी उनकी गंदगी को वो साफ करें, फिल्थ को साफ करें, और जो फ्लोटिंग कारकेसेस थे, जो मृत पशुओं के शरीर थे, उनको व्यवस्थित कर सके, उनको सही जगह पे ठिकाने पे लगाया जा सके। एंड टू टेंड टू वूंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और उनको टेंड किया जा सके, केयर किया जा सके, ट्रीट किया जा सके द वूंड्स, जो जख्म और फ्रैक्चर्स थे, अस्थि भंग हो गई थी, जो हड्डियाँ वगैरह टूट गई थी, जिनको चोटें आई थी, खुले हुए जख्म और गुम चोटें थी, उनको ठीक किया जाए। मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, जो कि चोटिल हो गए थे बहुत सारे लोग उस त्रासदी में। ऑन द फिफ्थ डे, पांचवें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लो ओवर द शेल्टर, मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर जो है उस शेल्टर के ऊपर से उड़ा, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ फूड के पार्सल्स गिरा दिए वहां पे, कुछ फूड के जो पैकेट थे, खाने के पैकेट, वो वहां पे गिरा करके चला गया। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और तब उसके बाद में वो वहाँ पर नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, जो यूथ थे उन्होंने अपना जो कार्य था वो इकट्ठा, वो क्या कार्य क्या था कि फोर्स, टास्क फोर्स जो थी द यूथ टास्क फोर्स, उसने गैदर्ड किया, इकट्ठा किया एम्प्टी यूटेंसिल्स को, जो खाली बर्तन थे, फ्रॉम द शेल्टर, शेल्टर से, आश्रय गृह में जो खाली बर्तन थे उनको इकट्ठा किया, एकत्रित किया। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, सो कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंगरी।
तब उन्होंने जो है डेप्यूटेट किया, प्रतिनियुक्त किया बच्चों को टू लाई इन द सैंड, लेटने के लिए जो सैंड थी, बालू थी, लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड, यानी अपने आसपास में जो पानी था शेल्टर के, विद दीज यूटेंसिल्स, इन खाली बर्तनों के साथ, ऑन देयर स्टमक, अपने पेटों पे। यानी उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों को बोला कि भाई आप जाके बालू में लेट जाओ जो वहाँ पर रेत थी, इन खाली बर्तनों को पानी के आसपास, इन खाली बर्तनों को अपने पेट पे रख के, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, जिससे कि संचार हो सके, बातचीत हो सके गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स के साथ, दैट देवर हंग्री, कि वो भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, जो मैसेज था, जो संदेश था, वो गया, पहुंचा उन लोगों के पास में, हेलीकॉप्टर्स वाले जो गवर्नमेंट थी उसके पास तक। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद में जो हेलीकॉप्टर थे उन्होंने रेगुलर राउंड लगाना शुरू कर दिया, रेगुलरली नियमित तौर पे आना शुरू कर दिया उस आश्रय गृह की ओर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, गिराते हुए जो फूड्स थे, जो फूड के पार्सल थे और जो कुछ अन्य बेसिक नीड थी उनको गिरा करके कंटिन्यू रेगुलरली वो हेलीकॉप्टर्स आते रहे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेन, अब प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो हैड बीन ऑर्फेन, वो अनाथ हो गए थे, ऑर्फेन हो गए थे। ही ब्राउट देम टुगेदर, उसने उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा एक साथ लेकर के आया, एंड पुट अप ए पॉलीथिन सीट शेल्टर, और एक पॉलीथिन सीट की जो शेल्टर है, जो आश्रय गृह वो बनाया फॉर देम, उनके लिए। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और जो औरतें थी उस शेल्टर होम में उनको मोबिलाइज किया गया, उनको बताया गया कि भाई आप जो हैं वो लुक आफ्टर करें, देखभाल करें उन बच्चों की। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, जबकि जो आदमी थे उनको सिक्योर करने के लिए, इस चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए लगा दिया गया फूड और मटेरियल को, जो शेल्टर है उसके लिए, मतलब शेल्टर होम के लिए फूड और अन्य जो मटेरियल थे उसको सिक्योर करने के लिए आदमियों को लगा दिया गया। एज द वीक्स पास्ड, और जैसे जैसे जो सप्ताह था वो गुजरता गया, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत ने जो है एकदम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया दैट कि द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर, कि जो औरतें और बच्चे थे वो सिंकिंग होते चले जा रहे थे, डूबते चले जा रहे थे डीपर गहराई के साथ, एंड डीपर इन देयर ग्रीफ, अपने दुखों में और गहरे और गहरे, मतलब डूबते चले जा रहे थे, उनको दुख जो है वो अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा था। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, तो उसने परसुएडेड कर लिया, मना लिया औरतों को कि वो कार्य करें, स्टार्ट वर्किंग, यानी कार्य करने के लिए उसने मना लिया उनको, इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी जो कार्य भोजन के लिए प्रोग्राम था जो कि एक एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा था, उस कार्य में सहभागिता करने के लिए उन औरतों को प्रशांत ने मना लिया। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बात करें बच्चों की, तो उसने जो है ऑर्गेनाइज किया स्पोर्ट्स इवेंट्स, कुछ खेल की जो प्रतियोगिताएं थी उनको ऑर्गेनाइज किया। He himself loved to play cricket. वह स्वयं भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, and so he organized cricket matches. इसीलिए उसने जो है क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। प्रशांत एंगेज विद अदर volunteers. प्रशांत जो है वो अदर volunteers जो थे, जो अदर लोग थे कार्य करने वाले, उनके साथ में एंगेज हो गया, उनके साथ संलिप्त हो गया, इन हेल्पिंग द विडोज, जो विधवाएं थी उनको मदद करने में, एंड जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, टू पिकअप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ्स, कि वो अपने जो ब्रोकन पीसेज हैं, जो अपने टूटे फूटे जो पल हैं, जो टूटे फूटे टुकड़े हैं उनके जीवन के, उनको वो पिकअप कर सकें, टुगेदर मतलब इकट्ठा कर सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, और जो गवर्नमेंट थी उसका जो इनिशियल प्लान था वो था कि वो कुछ शैक्षणिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस स्थापित करें अनाथ और विधवा औरतों के लिए, अनाथ बच्चों और विधवा औरतों के लिए।
However, this step was successful resisted. तथापि ये जो स्टेप था, ये जो कदम था गवर्नमेंट का कि वो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्थापित करे, वो सक्सेसफुली रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, उसको उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया गया पूर्णतः सफलतापूर्वक यूथ के द्वारा. एज इट वॉज फेल्ट, जैसा कि महसूस किया गया कि इन सच इंस्टीट्यूशन, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, बच्चे जो हैं वो बिना किसी प्रेम के, बिना किसी स्नेह के बड़े होंगे. एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विडोज हैं, जो विधवा औरतें हो गई हैं, वो सफ़र करेंगी, कष्ट उठाएंगी फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, यानी एकांतवादिता, जो एकांत आ गया है उनके जीवन में, उससे वो कष्ट उठाएंगी. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी. प्रशांत का जो ग्रुप था उसको ये विश्वास था कि जो ऑर्फन्स हैं, जो बेचारे अनाथ बच्चे हैं, उनको शुड बी रिसेटल्ड, उनको पुनः व्यवस्थित किया जाए इन देयर ओन कम्युनिटी, उनकी खुद की कम्युनिटी में, उनके खुद के समुदाय में. इट्सेल्फ पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चिल्ड्रन चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. और इट्स मतलब उन्होंने क्या किया कि पॉसिबली संभवता इन फ्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप, कुछ जो फॉस्टर फैमिलीज हैं यानी प्रतिपालक जो परिवार हैं उनको बनाया गया ऑफ चाइल्डलेस विडोज, यानी जो विधवाएं थी बिना बच्चों वाली, और चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और जो बच्चे थे बिना किसी एडल्ट केयर के, बिना किसी व्यस्क देखभाल के, उन सबको मिला करके फॉस्टर फैमिलीज बना दी गई. इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, 6 महीने का समय बीत गया था जो भयंकर त्रास दी थी साइक्लोन के द्वारा, चक्रवात के द्वारा, उसको 6 महीने का टाइम बीत गया था. दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली. इस समय पे जो प्रशांत की जख्मी स्पिरिट थी, आत्मा थी, हैज हील्ड सिंपली, वो सामान्य तौर पर ठीक हो चुकी थी. बिकॉज ही हैड नो टाइम, क्योंकि उसके पास में कोई टाइम ही नहीं था टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, कि वो अपने खुद के दर्द के बारे में चिंता करें. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज वार्ड द विंडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज, यानी उसका जो हैंडसम और यूथफुल फेस था वो जस्ट लाइक हो गया था केवल विडोज और ऑर्फन चिल्ड्रंस का, यानी उसको केवल उनकी ही चिंता होती थी, ऑफ हिज विलेज, उसके अपने गाँव के. एंड सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आर ऑफ ग्रीफ, और वो उन्हीं की जो डार्केस्ट आर होते थे, जो ग्रीफ के, दुख के, उन्हीं में से कुछ खुशी के पल सीक आउट करता था, उसी में वो अपना जीवन यापन कर रहा था. तो बारे बच्चों, ये था हमारे चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा का सेकेंड पार्ट. तो डीपली स्टडी करें, और जो क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू द पैसेज वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे अगर आप डीपली इस चीज़ का अध्ययन करेंगे तो. बाकी जिन जिन को पीडीएफ फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं. मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8630675856.